1829 चार्ल्स मेसन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत दौरे पर निकले, जहां इनको काम सौंपा गया कि कंपनी के लिए यूजफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके लाई जाए। 1842 में मेसन एक बुक लिखते हैं जिसमें वो कुछ पुराने खंडरों की पेंटिंग्स बनाते हैं और लिखते हैं कि मुझे मेरी जर्नी में पंजाब के एरिया में काफी जगह ये खंडर देखने को मिले जो एक से लग रहे हैं। लेकिन शायद मेसन को ये नहीं पता था कि उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन खोज निकाली है। 1861 में इंडिया में ब्रिटिश रूल लागू हो जाता है और इसी साल 1861 में स्थापना होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की, और इसके डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंगहम, जिन्हें हिस्ट्री का काफी शौक था। और कनिंगहम चार्ल्स मेसन द्वारा लिखी बुक में उपस्थित उन खंडरों का दौरा करते हैं और इन्हें लगा कि शायद इन्हें खोया हुआ एक बौद्ध स्तूप मिल गया है। 1904 में जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर बनाया जाता है और मार्शल दयाराम साहनी को इन खंडरों की खुदाई का काम सौंपते हैं। दयाराम साहनी हड़प्पा में खुदाई शुरू कर देते हैं तो इन्हें पहले एक कमरा मिलता है, फिर और खुदाई की तो पूरा घर निकलता है, और फिर खोदते खोदते पता चला कि ये तो पूरा शहर जमीन के नीचे छुपा हुआ था। 1911 में DR भंडारकर एंड 1922 में RD बैनर्जी मोहनजोदारो की खुदाई करवाते हैं और यहाँ भी पूरा एक शहर जमीन से निकल जाता है। दयाराम साहनी एंड RD बैनर्जी जॉन मार्शल को बताते हैं कि 1000 साल पुराना कोई शहर नहीं बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमने खोज निकाली है। अंग्रेजों को ये बात पसती नहीं क्योंकि सबसे पहले सिविलाइज्ड होने का पेटेंट तो वो करा चुके थे और इसी झूठ को फैलाकर तो वो इंडिया पर राज कर रहे थे। अंग्रेज कहते थे कि वी आर हियर टू सिविलाइज इंडियन पीपल, लेकिन जब एक के बाद एक खुदाई में पूरे शहर जमीन से निकल रहे थे और उन शहरों की कमाल की आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग को देखकर जॉन मार्शल को ये बात दबाना सही नहीं लगा और उन्होंने 24 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में अनाउंसमेंट कर दी कि हमें इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई है। उसी के ठीक एक हफ्ते बाद ईरान में ब्रिटिशर्स को सेम सील मिलती है जो उन्हें हड़प्पा की खुदाई में मिली थी। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी है। आइए इतिहास में वापस चलते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि मानव कैसे ब्रॉन्ज एज में पढ़ना और लिखना सीख चुका था और उसने तांबे की खोज कर ली थी और औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत 7000 BC में अर्ली ब्रॉन्ज एज में होती है। इस टाइम पे इनके बड़े बड़े शहर नहीं थे, यहाँ लोग अलग अलग घर काफी दूरी पर बनाकर रहते होंगे। अराउंड 3300 BC में कुछ लोगों का समूह इंडस रिवर यानी सिंधु घाटी नदी के किनारे आकर बस गया क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं थी और खेती करने के लिए मिट्टी काफी उपजाऊ थी। सिंधु घाटी के लोगों ने जब यहाँ अपना डेरा डाला और यहीं बस गए तो इनकी संख्या अनुमानित 20 से 30 हजार के बीच रही होगी। लेकिन जब ये सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी तब इनकी संख्या बढ़कर 50 लाख तक हो गई थी, जो आज की जनसंख्या के हिसाब से भले ही कम लग रही हो लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे लोग इतने सभ्य और सिविलाइज तरीके से रहते थे। इन लोगों ने अलग अलग नगरों का निर्माण किया जो हर तरीके की मुश्किल और प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पहली नगरी सभ्यता थी, मतलब यहाँ के शहर डिजाइन तरीके से बनाए गए थे। यहाँ नगरों के बाहर एक बड़ी दीवार बनाई गई थी ताकि बाढ़ आने पर पानी अंदर नगर में न आए। यहाँ की सड़कें काफी चौड़ी होती थी और ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में बनाई जाती थी, इससे ये हवा से अपने आप साफ रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेट्रोलॉजी यानी मापन बहुत सटीकता से करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूरी दुनिया में पहले थे जिन्होंने एक समान भार और मापन की प्रणाली विकसित कर ली। यहाँ से हजारों मोहरें मिली हैं जो व्यापार में यूज की जाती थी। इन मोहरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जानवरों को अंकित किया जाता था जिनमें से एक सींग वाला यूनिकॉर्न कॉमन था। शायद ये मोहर इनकी सभ्यता की पहचान थी। शहरों में बड़ी बड़ी नालियां थी जिससे पानी एक जगह जमा ना हो और बहाव बनता रहे। नालियों को अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर दिया जाता था जिससे कि उसमें कूड़ा न जाए और नालियां रुके नहीं। सिंधु घाटी लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी थी पानी और साफ सफाई, उसी को ध्यान में रखकर सारे नगर नदियों के किनारे डेवलप किए गए। सिंधु घाटी के लोगों ने हाइड्रो इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली थी। एडवांस पाइपलाइन सिस्टम एंड फ्लश सिस्टम जो आज भी कई देशों में अवेलेबल नहीं है इन्होंने उस समय अपने शहरों में यूज किए। आइए देखते हैं खुदाई में मिले शहरों को जिन्हें आधुनिक नाम दिया गया। इस सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न एरिया सुटका गेंडोर है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में मांडा में चिनाब नदी के तट पर है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी और सबसे दक्षिणी दीमाबाद में थी। इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहर थे हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे और मोहनजोदारो जो सिंधु नदी के किनारे था। चनहुदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था ये इस सिविलाइजेशन का औद्योगिक शहर था। यहाँ मेनली मूर्तियां पेंटिंग्स कॉस्मेटिक सामान ईंटों का निर्माण किया जाता था। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का पोर्ट यानी बंदरगाह हुआ करता था यहाँ से विदेशों में व्यापार किया जाता था। यहाँ अनेक प्रकार की मोहरें मिली हैं जो विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। और भी जगह हैं जैसे रोपड़ बनवाली कूड़ल
राखी गढ़ी आदि। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ना ही इनके साक्ष्यों में तलवारों या किसी भी प्रकार के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग चीज है। लेकिन ये बात ये दर्शाती है कि ये लोग कितने शांत और अपने समय के हिसाब से कितने मैच्योर थे। यहाँ कोई राजा नहीं हुआ करता था जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में थे। यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य सिर्फ खेती था और कई तरीके के मसाले या अन्य सभ्यताओं को एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन के कपड़े, मसाले, मूर्तियां, पेंटिंग्स, मनके, गेहूं, चावल यहाँ से फारस, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ एक्सपोर्ट किए जाते थे। दोस्तों इन लोगों की लिपि अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये अर्ली द्रविड लैंग्वेज है। ये लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे इजिप्शियंस की तरह। हालांकि इजिप्शियंस इंक्रिप्शंस को समझा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को नहीं समझ पाया। 2500 BCE से लेकर 1700 BCE तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड चला। इनकी एग्जिस्टेंस का सबसे लास्ट टाइम 1400 BCE माना जाता है और इनके डाउनफॉल की बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती हैं। उन्हीं में से सबसे बकवास और अनलॉजिकल थ्योरी है कि यूरोप से आर्यंस आए और उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों पर हमला करके उन्हें साउथ इंडिया की तरफ ढकेल दिया, इसलिए नॉर्थ इंडिया के लोग गोरे और साउथ इंडिया के लोग काले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ।